है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी क्लास नर्सरी की इंग्लिश की टीचर हूँ, तो आप अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 28 आपने ओपन किया, तो मेरे साथ पेंसिल उठाएं सब। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है आज का, ओके, लेक्चर नंबर 5। तो ट्रेस एंड राइट फ्रॉम ए टू एफ़, आज हमें क्या करना है, ए से लेके एफ तक हमें ट्रेसिंग करनी है, यानी कि सीखना है हमें ए से लेके एफ तक। तो सब मेरे साथ स्टार्ट करें लिखना। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। देखिए, अभी हमने ए लिखा, अब हम लिखेंगे बी। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके बाद लेफ्ट कर्व। अब हम जाएंगे लेफ्ट कर्व पे, यानी हम बनाएंगे सी। सी लिखेंगे हम, तो मेरे साथ ट्रेसिंग करें, लेफ्ट कर्व हमने बनाया, ठीक है, सी। अब यहाँ पर भी करेंगे हम एज इट इज़, लेफ्ट कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम बी लिखेंगे, और सी, ठीक है। सी के बाद क्या आएगा, डी, पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद लेफ्ट कर्व। डी लिखा हमने, डी के बाद हम लिखेंगे ई, लेफ्ट कर्व होगा इसका। और ये देखें, ई लिखा हमने, अब हम लिखेंगे एफ। ओके, अब हम यहाँ पर हमने ट्रेसिंग की है, अब यहाँ पर हम खुद लिखेंगे डॉट्स पर। ओके, ए, मेरे साथ साथ पढ़ें बेटा, ए, ओ सॉरी बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे डी। ओके, डी लिखा हमने, डी के बाद लिखेंगे ई, उसके बाद हम लिखेंगे एफ। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, पेज नंबर 29 पे। ये रहा पेज नंबर 29, हमारा लेक्चर नंबर है 6 के, सर्कल द करेक्ट बिगनिंग साउंड्स। हमें सर्कल करना है, आपके पास ये पिक्स आपको दी हुई हैं, हमें इन पिक्स को देख के वो लेटर हमें सर्कल करना है जो हमने पढ़ा, इसकी पहचान जो है, ठीक है। तो ये क्या है, एम्बुलेंस, हमने ए फॉर एम्बुलेंस पढ़ा था, तो हमें इसमें ए हमें दिया गया होगा, तो हमें उस पर सर्कल करना है। तो आप ढूंढें कि ए कहाँ पर है, जहाँ पर ए होगा हमें सर्कल करना है, ए फॉर एम्बुलेंस। तो ये रहा ए, हमें इस पर सर्कल करना है, हमने सर्कल किया, यानी ए फॉर एम्बुलेंस, ये हमारा डन हो गया। अब ये है ड्रम, ड्रम मीन ढोल। तो ड्रम हमने कौन से लेटर से पढ़ा था, हमने डी से पढ़ा था, डी फॉर ड्रम। तो ये रहा डी, इस पर हम सर्कल करेंगे, डी फॉर ड्रम, ड्रम मीन ढोल। अब है फ्लावर, ये क्या है, फ्लावर, तो फ्लावर एफ फॉर फ्लावर होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एफ कहाँ पर है, तो ये बी है, ये ई है और ये एफ है, तो हम एफ पर सर्कल करेंगे। ओके, एफ फॉर फ्लावर, फ्लावर मीन फूल। तो हमारा यहाँ तक डन हुआ। अब है नीचे क्वेश्चन, टिक व्हाट इज इन एंड क्रॉस व्हाट इज ऑन। देखिए, आपको इन और ऑन तो पहले हमने समझा दिया है पीछे बुक में, तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ अंदर है आपने उसमें टिक करना है, और जो चीज़ ऊपर है उसके ऊपर क्रॉस लगाना है। अब देखिए, ये बुक है, बुक के ऊपर रूलर पड़ा हुआ है, यानी कि स्केल पड़ा हुआ है, तो ये ऊपर है, तो इस पर हमने क्रॉस, उन्होंने बोला क्रॉस, जो चीज़ ऊपर है तो उस पर क्रॉस लगाना है हमें, तो इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। ओके, और ये देखें, एक बैग है, बैग के अंदर बुक है, हमें इस पर टिक करना है, जो चीज़ अंदर है उस पर टिक करेंगे हम। तो बेटा, ये आपका लेक्चर डन हो गया, अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज 30, और हमारा लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो गया हमारा। लुक एंड से, हमें लफ्ज़ की पहचान करनी है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जी, क्या लेटर है ये, जी, क्या लेटर है, जी, जी फॉर ग्रैप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रैप्स, ग्रैप्स मीन अंगूर। क्या है बेटा ये, अंगूर।
अंगूर देखे आप सबने, सबने खाए भी होंगे, बहुत टेस्टी होते हैं अंगूर। तो देखें ये अंगूर हैं, तो दोबारा मेरे साथ रिपीट करें, जी फॉर ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन अंगूर। अब हम पढ़ेंगे जी फॉर गोरिल्ला, जी ओ आर आई एल एल ए गोरिल्ला, गोरिल्ला मीन गोरिल्ला। के दोबारा हम पढ़ेंगे जी फॉर गोरिल्ला, जी ओ आर आई एल एल ए गोरिल्ला, गोरिल्ला मीन गोरिल्ला। ओके अब है जी फॉर गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, गर्ल मीन लड़की, लड़की हो ठीक है, गर्ल मीन लड़की। दोबारा रिपीट करें मेरे साथ, जी फॉर गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, गर्ल मीन लड़की। तो बेटा आपको यहाँ तक याद हो गया होगा, उम्मीद है कि अच्छे से आपको याद हुआ होगा। आपने अभी जी तक डन किया है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, आपने जी तक डन कर लिया। अब हम क्लास वर्क करेंगे पेज नंबर 31 पे, लेक्चर नंबर 8। अब हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट है, तो आज हम करेंगे अपना क्लास वर्क। ओके से एंड ट्रेस हम पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में हमने जी पढ़ा था, आज हम उस जी लिखना सीखेंगे। तो ठीक है बेटा, जी फॉर ग्लव्स, यहाँ आपको क्या दिया गया है, जी फॉर ग्लव्स, जी एल ओ वी ई एस ग्लव्स, ग्लव्स मीन दस्ताने। क्या है बेटा ये, दस्ताने। दस्ताने देखे आपने कभी, ये सर्दियों में पहने जाते हैं, जो कि जब आप सर्दियों में स्कूल आते हैं तो आप ये पहन कर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ये हमें सर्दी से सेव करते हैं। तो पढ़ें जी फॉर ग्लव्स, जी एल ओ वी ई एस ग्लव्स, ग्लव्स मीन दस्ताने। तो अब हम ट्रेस करेंगे जी को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे पहले बिल्कुल। हम क्या लिख रहे हैं पढ़े मेरे साथ और सफाई से लिखिएगा बिल्कुल। हम क्या लिख रहे हैं, जी, क्या लिख रहे हैं हम, जी। तो हमने क्या लिखा, जी। अब यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे और मेरे साथ पढ़िएगा, बार बार पढ़ते रहिए और लिखते रहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, जी, हम क्या लिख रहे हैं, जी। अब हम दोबारा लिखेंगे जी, क्या लिख रहे हैं हम, जी। अच्छे से लिखिएगा आप, बहुत सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। पढ़िए मेरे साथ जी, क्या है ये, जी, क्या लिख रहे हैं हम बेटा, जी। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे के और लेफ्ट कर्व, क्या लिखा हमने, जी। दोबारा से वही करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन और फिर लेफ्ट कर्व। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, तो बेटा हम क्या लिख रहे हैं, जी, क्या लिख रहे हैं हम, जी। लेफ्ट कर्व बनाया हमने, तो हमने क्या लिखा, जी। पहले स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे उसके बाद हम लेफ्ट कर्व लगाएंगे। आपको इन कर्व्स का भी पहचान होनी चाहिए, इन कर्व्स की। ओके तो हमने क्या लिखा, जी। हमने आज का अपना डन किया और अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। तो आप पेज नंबर 32 ओपन कीजिए। हमने पेज नंबर 32 ओपन किया, तो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। ओके से ट्रेस एंड राइट, आपको पढ़ना है और लिखना है और इसकी इन दोनों की पहचान भी करनी है और इनमें कलर्स करना, ठीक है। कलर्स करेंगे तो आपका काम और ब्यूटीफुल हो जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा आपका काम। तो हम पढ़ेंगे आज जी फॉर गॉस, जी ओ ओ एस ई गॉस, गॉस मीन हंस। क्या बेटा ये, हंस। ये भी बत्तख की तरह आपको दिख रही होगी, पर ये बत्तख वगैरह उनकी ये नस्ल में से है, पर हम इनको हंस बोलते हैं। ओके तो दोबारा मेरे साथ रिपीट करें, जी ओ ओ एस ई गॉस, गॉस मीन हंस। अब यहाँ पर देखें, जी फॉर ग्लास, जी एल ए एस एस ग्लास, गिलास मीन गिलास। गिलास देखा आपने, जो जिसमें आप पानी पीते हैं घरों में, तो ये वही गिलास है। ओके
आप दोनों आपको इनमें कलर करने हैं, इन दोनों में। इसमें आप कोई भी कलर कर लीजिएगा जो आपको प्यारा कलर लगे, और इसमें आप ब्लू कलर कीजिएगा। ओके, इसमें ब्लू कलर कीजिए क्योंकि हम पानी इसमें गिलास में पानी पीते हैं तो पानी ब्लू कलर का होता है, तो आप स्काई ब्लू सा कलर कीजिएगा। ठीक है, तो हम मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता रही हूँ, तो ये आपका होमवर्क है। लिखें बेटा हम क्या लिख रहे हैं, जी के। अब दोबारा हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एंड देन लेफ्ट कर्व। ओके जी, दोबारा लिखें मेरे साथ और पढ़ें भी। जी क्या लिखा हमने, जी। तो उम्मीद है आपको जी तक बिल्कुल याद हो गया होगा और लिखना भी आ गया होगा। तो बेटा क्लोज योर बुक्स, और आपके फ्राइडे के फ्राइडे वाले दिन आपको अपनी बुक सबमिट करवानी है ताकि हम आपका काम चेक कर सकें और अच्छे से आपको हौसला अफजाई कर सकें आपकी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।